खुशी हो रही है कि हम बयां नहीं कर सकते पूरी फैमिली वाले। तो उन्होंने सेल्फी स्टडी की और सबसे ज्यादा तो वो बाहर ही रहा, घर पे बहुत कमी से रहा। बहुत खुश, कचौड़ी पसंद करता है, जब आएगा तो कचौड़ी बनाएंगे। काजे बाजे के साथ सबने प्यार और आशीर्वाद दिया और हर्षोल्लास के साथ पूरा गांव क्षेत्र घर पे लेके आए। पहले तो यही कह रहे यार छोटी मोटी देख लो, बच्चे को देख बताओ छोटी मोटी कर लेगा, कभी इधर का रहे ना उधर का रहे। मैं जो कह देख रहा हूँ पढ़ो लिखो प्राइवेट तो कर ही लेगा कहीं भी ना कहीं, पर जब वो कर रहा तो मैंने कि उसे कर दे। हम पर दो चार बीघा जमीन वहाँ में से पैदा करी, कुछ अपने भैंस पा रहे उसका दूध बेका, कुछ हमारे ससुराल से भी जो उसके मामा नाना है थोड़ा बहुत वो भी करे, और कुछ हमारे साली छोटी वाली और भाई ये जितना भी जैसे भी हम उधर उधर से लेके बहरहाल उसको हम जो देना ही दे। हाँ मजदूरी करके दे। मैं अपने गांव समाज या जो मेरे जैसा तबका है जिसको ज़रूरत है मैं उस तबके के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी और चुनौती दोनों ही होंगी अब से आगे कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों का पॉजिटिव असर हो समाज के ऊपर, मेरे कारण कभी भी किसी के साथ कुछ अन्याय ना हो। सर संघर्ष के पीछे की कहानी ऐसे है कि जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी तो वो पहला दौर था जिसमें मुझे लगा कि मुझे IAS या UPSC सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना है। थर्ड अटेम्प्ट था, इससे पहले मैंने जो मेरा पहला प्रयास था 2021 में था जो कि मैंने घर पर रहकर ही तैयारी की थी, लेकिन उस प्रयास में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। फिर दूसरे प्रयास 2022 में मैंने प्रीलिम्स को पास किया, मेंस लिखा था लेकिन इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल नहीं आई थी। अब 2023 में मेरा ये थर्ड प्रयास था और इसमें मेरी 239वीं रैंक आई है। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। ऐसी ही एक मिसाल बुलंदशहर की तहसील स्याना के छोटे से गांव रघुनाथपुर में देखने को मिली। गरीब किसान के बेटे पवन कुमार ने साबित कर दिया कि जिनके हौसले बुलंद हों उनके सामने मुश्किलें भी अपने घुटने टेक देती हैं। पवन कुमार ने UPSC की परीक्षा पास कर 239वीं रैंक हासिल की है। पवन कुमार कच्चा मकान और पॉलीथीन के छप्पर में रहते हैं और बेहद गरीबी में पालन पोषण हुआ है। पवन कुमार को तीसरे प्रयास में कामयाबी मिली है। पवन कुमार के पिता मुकेश कुमार चाहते थे कि पवन कोई भी छोटी मोटी जॉब कर ले जिससे घर चलाने में मदद हो सके, पर पवन को भूत सवार था IAS बनने का, तो बन गए, हमें बड़ी खुशी है। बहन गोल्डी भी अपने भाई से बहुत प्रभावित है और वो भी पुलिस अफसर बनना चाहती है। बता दें कि पवन कुमार के पिता एक किसान हैं जिनके पास मात्र 4 बीघा जमीन है जिस पर खेती व मजदूरी कर वो परिवार का भरण पोषण करते हैं। 4 बीघा कृषि भूमि और एक कच्चा छप्पर का मकान इस परिवार की कुल संपत्ति है। पवन कुमार बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे और पढ़ लिख कर परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर करना चाहते थे, क्योंकि शिक्षा ही गरीबी दूर करने का एकमात्र विकल्प है। छप्पर में रहकर पढ़ाई करने वाले पवन की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। IAS बनने के बाद पहली बार जब पवन कुमार राणा घर पहुंचे तो लोगों ने जुलूस निकालकर उनका भव्य स्वागत किया। सर जैसे ही मैं यहाँ पे अपने पैतृक गांव में आया हूँ तो एक तो लोगों का जो स्वागत सत्कार है, जो समाज के लोगों का स्वागत सत्कार है, जो मेरे क्षेत्रवासियों का प्रेम मुझे मिल रहा है, तो एक तो मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि इतने सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ मैं इसको इस तरह भी देख रहा हूँ कि ये एक चुनौती है मेरे लिए, एक जिम्मेदारी अब से मेरे साथ एक स्टार्ट हो जाती है कि मैं जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास या प्यार जताया है मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, मैं अपने गांव समाज या जो मेरे जैसा तबका है जिसको ज़रूरत है मैं उस तबके के लिए कुछ कर पाऊं, तो मेरी एक जिम्मेदारी और चुनौती दोनों ही होंगी अब से आगे कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों का पॉजिटिव असर हो समाज के ऊपर, मेरे कारण कभी भी किसी के साथ कुछ अन्याय ना हो। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं उनके साथ जस्टिस कर सकूँ। अच्छा मुफलिसी के दौर से आप गुजर के फर्श से अर्श की ओर। सर संघर्ष के पीछे की कहानी ऐसे है कि जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी तो वो पहला दौर था जिसमें मुझे लगा कि मुझे IAS या UPSC सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना है या उसको प्राप्त करना है, तो लक्ष्य तो मेरा बन गया था लेकिन मेरे सामने चुनौती यह थी कि इसको प्राप्त कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल और गाइडेंस दोनों की ही कमी थी। तो गाइडेंस मिली मुझे नवोदय विद्यालय से, जब मैं कक्षा 9 से नवोदय विद्यालय में मैंने प्रवेश लिया तो वहाँ मेरे जो टीचर थे, मेरे अध्यापक जो थे,
उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि कैसे आपको यह रास्ता चुनना है। तो गाइडेंस तो मुझे वहाँ से मिलनी स्टार्ट हुई। फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी उसके लिए मेरे माता पिता, मेरी बहनों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे मामा और मेरी मौसी ने काफ़ी सपोर्ट किया। इसके साथ साथ मैंने जो अपने अननेसेसरी खर्चे थे उनको मिनिमाइज करने की कोशिश की। मैंने कोशिश की कि जितने ज़्यादा मैं खर्चों को कम कर सकूं उतना मैं करने की कोशिश करूं। और जहां कोचिंग की बात थी तो मैंने अपनी कोशिश की कि मैं कोचिंग ना लूं, मैं इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर सकूं। अच्छा, ये कौन सा प्रयास था और किस? सर, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने जो मेरा पहला प्रयास था 2021 में था, जो कि मैंने घर पर रहकर ही तैयारी की थी, लेकिन उस प्रयास में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। फिर दूसरे प्रयास 2022 में मैंने प्रीलिम्स को पास किया, मेंस लिखा था, लेकिन इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल नहीं आई थी। अब 2023 में मेरा ये थर्ड प्रयास था और इसमें मेरी 239वीं रैंक आई है। अच्छा, इकोनॉमिकली जो कि परिवार बहुत कमज़ोर है, तो किस तरह से मैनेजमेंट किया? चूँकि महंगाई का दौर है, महंगी शिक्षा है जी, प्राइवेट शिक्षा है, तो किस तरह से आपने ये मैनेज किया होगा? और परिवार को आप, परिवार का समर्पण, परिवार की मेहनत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, खर्चा जहाँ तक मैनेज करने की बात है तो हम तीन लोग रहते थे, जो हमारा रूम थे उसमें हम तीन लोग रहते थे और हम किराए को डिवाइड करते थे तीनों में। तो इस तरह से जो पर हेड किराया आता था वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता था। इसके साथ साथ जो अननेसेसरी खर्चे थे हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे। और जो कोचिंग का जो खर्चा था मैंने उसको कम कर दिया, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी तो कोचिंग का खर्चा नहीं आया था। इसके साथ साथ जैसे कभी विलम्ब हो जाता था तो दोस्तों और मेरे मामा मौसी का सपोर्ट मुझे रहा था। परिवार के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी जो भी, मैं जहां भी हूं उसमें उनका योगदान जो है वो अतुलनीय है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मेरी तरफ से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। अच्छा, युवा पीढ़ी के लिए जो मुफलिस हैं और तंग हाली के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि आप जैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसको पाने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करें, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आप लगे रहें। और इसके साथ साथ जो आपके शुभचिंतक हैं उनका सहयोग लेते रहें। आप जैसे आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास फाइनेंशियल चैलेंजेज हैं, तो आप अल्टरनेटिव जो रास्ते हैं उनको खोजने का प्रयत्न करें। जैसे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी परीक्षा की तैयारी की जा सकती है, तो कहीं कोचिंग जाना ज़रूरी नहीं है, आप इंटरनेट के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह? सर, ट्रेनिंग का अभी DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहाँ से मुझे अभी ईमेल आएगा और वो उनके द्वारा बताया जाएगा कि आगे क्या प्रोसेस है, क्या फॉलो करना है। और ट्रेनिंग जो होती है इसकी लवासना अकेडमी है, जो कि मसूरी में है, उत्तराखंड में। तो इसकी ट्रेनिंग लवासना उत्तराखंड मसूरी में होगी। गोल्डी, आप पवन कुमार ने जो है UPSC में चयन उनका हुआ है, क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूंगी कि उसने बहुत ही नाम करा, गांव का तो गांव का, जिले का भी करा, बुलंदशहर जिले का करा, और हम सबको इतनी खुशी हो रही है कि बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही तो है। तो क्या लगता था कि पवन कुमार अपनी जो मंजिल है उसे हासिल कर पाएंगे? जी, मुझे बिल्कुल विश्वास था कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत का फल हमारा भाई हमें बिल्कुल देगा। तो कितने घंटे पढ़ते थे, क्या शेड्यूल था उसका? वो मतलब 18-20 घंटे पढ़ लेते थे। 18-20 घंटे पढ़ते थे तो इसी छप्पर में रहकर पढ़ाई करते थे? जी हाँ, इसी में पढ़ाई। लाइट वाइट तो यहाँ आती नहीं, कैसे करते थे मैनेज? नहीं, वैसे लाइट तो आती है लेकिन इन्वर्टर लाइट नहीं है, और जब लाइट चली जाती थी तो फोन की लाइट है और क्या नाम है, फिर मतलब हम डीवे वगैरह जला लेते। तो यहाँ गाँव में ऐसे भी लोग होंगे ना जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करते होंगे, कहाँ IAS बनेगा? जी बिल्कुल है, उन्होंने बोला था कि इससे तो कॉन्स्टेबल भी नहीं होगा क्लियर, या क्या IAS बनेगा। मैंने कहा भाई चलो कोई नहीं, मेहनत कर रहे हैं, कभी तो तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन भगवान ने दिखा दिया उन लोगों। अभी उन लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभी भगवान ने लगा दिए। आप क्या बनना चाहती हैं? कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो मिला होगा भाई से? जी, मुझे यूपी पुलिस पसंद है, मुझे यूपी पुलिस बनना। बात हो गई पवन जी से? हाँ, पर रात हुई थी उसको। अच्छा, कब आ रहे हैं? 10-15 दिन के लिए बोला था कि मुझे भी काम है, तो मैं 10-15 दिन बाद। बेहद खुश है? बिल्कुल, उसे तो यही नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ। क्या कहेंगी अब? मैं अब मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा खुशी की वजह से। भैया मैं खूब बहुत खुश हूँ। बात हो गई है? हाँ। तो कुछ बताइए ना, क्या पसंद करते हैं खाने में, कैसे हैं, क्या खाते हैं? कचौड़ी पसंद करता है, जब आएगा तो कचौड़ी बनाएंगे। कचौड़ी बनाएंगे? हाँ। आता था जब भी कचौड़ी? हाँ, जब भी कचौड़ी खाता। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश।